नामांकन के बाद जनसंपर्क में जुटी प्रत्याशी, काफी मशक्कत के बाद चुनाव चिन्ह का संशय समाप्त। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। आपको बताते चले, कालपी जालौन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव चिन्ह आयोग द्वारा तृतीय चरण में मतदान होना सुनिश्चित किया गया। सभी राजनीतिक दल टिकट बंटवारे में जुट गए। विधानसभा 220 कालपी में सर्वप्रथम बसपा की ओर से श्याम उर्फ छुत्रापाल को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि इसके बाद कांग्रेस में सूची जारी करते हुए महिला प्रत्याशी पूर्व विधायिका उमाकांति सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया। परंतु समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में कभी टिकट को तो कभी चुनाव चिन्ह को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। परंतु नामांकन करने की अंतिम तिथि फरवरी को स्थितियां स्पष्ट हुई और समाजवादी पार्टी की ओर से श्री रामपाल के नाम की लिस्ट जारी किए जाने के बाद टिकट में बदलाव करते हुए विनोद चतुर्वेदी को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर निषाद पार्टी ने पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतारा है।